माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी लाई हूँ, जो टमाटर कीमा कहलाता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले टू टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज की प्याज जो मैंने स्लाइस कर ली हैं, और 2 से 3 टमाटर जो मैंने स्लाइस करके रख ली हैं, 1/2 किलो के करीब कीमा है, 5-6 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है, और 1 टीस्पून नमक है, और ऑयल 1/2 कप ऑयल है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें स्लाइस की हुई जो हमने ये प्याज रखी थी, हम इसको हल्का सुनहरी कलर का ब्राउन कर लेंगे। सुनहरी कलर कर लेंगे इसका हल्का ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्की ब्राउन करनी है, ताकि जो हल्की ब्राउन करके प्याज आप सालन में या किसी भी चीज़ में डालते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें ये डालती हूँ। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई हल्का पिंक होने तक। अच्छा जी, हमारी प्याज अभी हुई नहीं है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और गोल्डन, अब इसमें कलर नहीं आया है, गोल्डन फ्राई करना है इसको। तो अभी देखें इसका कलर अभी वाइट ही है, तो थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए इसमें तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा जी, देखिए अब ये जो प्याज है ना, ये हल्की पिंक हो गई है, हमें बस इतनी ही पिंक रखनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमें प्याज, बस हल्की पिंक करनी है हमें प्याज। ये देखिए प्याज पिंक हो गई। अब हम इसमें जो हमने खड़े मसाले थे, अब हम ये इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके साथ, प्याज के साथ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 kg जो हमने कीमा था वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे, इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाए, तब इसका थोड़ा वाइट हो जाएगा। फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा और ये कलर इसका चेंज हो गया थोड़ा सा, और इसमें से गोश्त का जो पानी है ना कलर चेंज होने तक वो थोड़ा सा खुश्क हो जाता है, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए। आप लोगों ने अगर मेरे पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो बहुत इजी तरीके से बनती हैं, जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं होते, मैं आपको शेयर करती रहूँगी, और आप इसको बना के देखिएगा, आप तो बोलेंगे बहुत अच्छी बनी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया था। अब इसको इसके साथ हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक
क्रीमे के साथ मिक्स हो गया, लेकिन अभी हम इसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसी इसमें हम थोड़ी सी इसमें 1 टेबल स्पून या जितना आप अपना टेस्ट के हिसाब से नमक रखती हैं आप उतना नमक रखिएगा टेस्ट के हिसाब से। और आप लोग मेरी रेसिपीज़ ज़रूर बना के मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें, बहुत अच्छी बनती है। और फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी आपने बनाई। तो अब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब हम इसमें इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे ताकि लहसुन अदरक का पानी और गोश्त या क़ीमे का पानी मिक्स वो ख़त्म हो जाए, फिर हम इसके बाकी चीज़ें डालते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि इसका पानी ड्राई हुआ जी, काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था हमें। अब हम इसमें शामिल करते हैं रेड चिली पाउडर। इसमें ना धनिया डलेगा पिसा हुआ, ना हल्दी डलेगी, बहुत कम उससे, लेकिन आप ये बना के देखिएगा बहुत बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। ये रेड चिली पाउडर डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर डाल के हम इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। और हम इसको हल्की सी आंच करके, अच्छा देखें इसका कलर कितना अच्छा आया, मैंने रेड चिली पाउडर डाला, टमाटर डाले अभी, और अभी ये टमाटर जब मेल्ट हो जाएंगे क़ीमे के साथ तो आप देखिएगा इसका कलर और भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैं हाफ प्याली पानी भी डालती हूँ। क़ीमे का कच्चापन निकल जाए और ये टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छा। और हम इसको जब तक टमाटर थोड़े गल जाते हैं जब तक के लिए मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं टमाटर इसमें मेल्ट हुआ, माशाल्लाह देखिए ऑयल जो है ना वो भी आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये टमाटर जो हैं बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं और इनका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इनको थोड़ा सा और हम प्रेस करके फिर हम ये देखिए हरी मिर्चें, जो 5-6 हरी मिर्चें थी मैंने इनको बीच में से काट लिया है और इनके बीज जो है वो मैंने रिमूव कर दिए हैं ताकि वो बीज जो है ना वो अच्छे नहीं लगते, मैंने इनको रिमूव करके निकाल दिया है। अब ये देखिए हमारा क़ीमा इतना अच्छा तैयार हो गया है और इसमें ऑयल भी आना शुरू हो गया है ऊपर। आप टेस्ट करके बताइएगा और कि आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे लगे बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अच्छा जी, ये हो ये भून गया, अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। दो मिनट के लिए रखेंगे दम पर, हम इसको डिश ऑफ कर लेंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे दम पर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए
कीमा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम चूल्हा बंद करते हैं। हरी मिर्ची भी थोड़ी सी गल गई हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए अब हमारा मज़ेदार सा कीमा तैयार है, और आप लोग टेस्ट करके बताइएगा कि आपको ये कीमा कैसा लगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये जो बनाया हुआ कीमा है बहुत पसंद आएगा। आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा।